वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बस ये मॉर्निंग का टाइम है और फटाफट से मैं लग गई हूँ आरुष के स्कूल के प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं उसका ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँगी, जूस। एंड उसके बाद जूस का मैंने आपके साथ कितनी बार शेयर किया है, चुकंदर, गाजर, अंगूर, सेब, जितना होता है सब मैं उसमें डालती हूँ। एंड उसके बाद ये उसकी टिफ़िन की रेसिपी है जो बच्चों के लिए बहुत सॉफ्ट, और आप चाय के साथ भी ये पराठे ले सकते हो, बहुत टेस्टी बनता है। तो ये है आलू का पराठा, मीन्स आलू का पराठा, आलू स्टफिंग नहीं करना है इसको, ना आटे में मिला के सान के फिर बनाना है इसका डो बना के। तो आलू मैंने रात को ही बॉईल करके रख लिया था। ये सब चीज़ें अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखोगे ना तो सुबह बड़ा अच्छे से, जो अच्छे टाइम के साथ सारा टिफ़िन बन जाता है। एंड उसके बाद थोड़ा सा आटा मैं इसमें ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा आटा इसमें ऐड नहीं करना, जितना आलू होगा उतना सॉफ्ट बनेगा। एंड क्रश करके थोड़ा सा मैंने एक चुटकी अजवाइन डाल दिया है, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक पिंच हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब डालूँगी इसमें मसाला, मैं जो किचन किंग मसाला होता है सब्जी वाला वो, इसमें आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, मेरी कसूरी मेथी ख़त्म हो गई थी, आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हो काट कर। और इसका एक अच्छा सा मैं डो बना लूँगी, एक सॉफ्ट सा डो। अच्छा, इसमें ना पानी नहीं जाता, आलू में ही ये अच्छे से मतलब डो बन के बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। अब आज के नाश्ते के लिए, जो वो स्कूल नाश्ता ब्रेकफास्ट करके जाता है तो वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये है ब्रेड बटर, वो जब भी ब्रेड खाता है तो उसका कॉर्नर मैं काट देती हूँ, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अच्छे से एक मोटा लेयर में बटर का लगाती हूँ, उसको कितना भी बटर घी खिला दो पिला दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो पतला दुबला ही है। एंड उसके बाद इसका ये ब्रेड बटर तैयार हो जाता है, मैं उसको रोज़ वही देती हूँ। और जूस जो मैंने बनाया था वो जूस दिया था, एंड उसका ये हेल्दी सा जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार हो गया। एंड उसको नाश्ता देने के बाद मैं आ जाती हूँ टिफ़िन फटाफट से बनाने के लिए। तो ये मैंने ले लिया था, और आप ना बेलने के तरीके से ही देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही टेस्टी बना था ये पराठा। तो आरुष के लिए एक पराठा बनाऊंगी, कट करके मैं उसको डालूंगी रैप करके। एंड हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो उनके चाय के साथ भी एक पराठा ये बन जाएगा। और इसको ना थोड़ा सा पकाने में टाइम लगता है क्योंकि इसमें आलू मिक्स होता है ना, तो इसको थोड़ा सा ना बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाओगे तभी अच्छे से पकेगा, ये रेड रेड करके बहुत अच्छा बनता है। जो लोग बनाते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं पहली बार ट्राई किया है तो वो एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा ये पराठा है। अच्छा, इस पराठे में सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप इसको जब भी खाओ ना ये उतना ही सॉफ्ट रहता है, मतलब ज़्यादा लंच टाइम तक ये बिल्कुल भी कड़ा नहीं होता, ये हार्ड नहीं होता, बहुत सॉफ्ट रहता है। तो बस इसका फटाफट से टिफ़िन मैंने बना के तैयार कर दिया है। तो बस टिफ़िन में यही मैंने रैप करके पराठे हाफ हाफ काट दिए थे, एंड थोड़ा सा स्माइली दे दिया मैंने फ्राई करके, और एक एप्पल। बस इसके लिए इतना ही है। तो क्योंकि ये सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छे से करके जाता है तो इसको स्नैक्स टाइम में ये एप्पल भी खा लेता है और वो स्माइली भी एक दो खा लेता है तो चल जाता है। उसके बाद स्कूल छोड़ के आई थी मैं, अब लग गई थी किचन के कामों में। तो किचन के काम में आज ना मैं सबसे पहले दूध बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि 2 से 3 दिन का ना जो गाय की दूध है वो रह गई थी। आरुष से सुबह जूस पी के जाता है तो कभी दूध पीता है रात को, कभी नहीं पीता है। तो उसको साबूदाना है ना, उसकी जो खीर है उसको बहुत पसंद है, तो मैं वही फटाफट से अभी जो 1 से 1.5 लीटर दूध जमा हो गया था ना एक बड़े से भगोने में, उसको मैं पहले बॉयल करूँगी और उसके बाद साबूदाना जो है उसको मैं साबूदाने को फूलने के लिए डाल दूँगी। आरुष को ये खीर बहुत पसंद है, हम लोगों को भी पसंद है, लेकिन उसने स्कूल जाने से पहले ही बोल दिया था कि मम्मी साबूदाना खीर बना के रखना लंच के टाइम में। तो बस जितना दूध मैं जमा करके मैंने रखा था सारा मैं फटाफट से बॉयल करने के लिए चढ़ा दूँगी, और साथ में लग जाऊँगी और भी किचन के कामों में, क्योंकि 11 बजे मेरी हाउस हेल्पर है वो आ जाती हो तो किचन पूरा क्लीन करके देना पड़ता है। और चढ़ा ली है मैंने अपनी चाय, पहले मैं आराम से तसल्ली से अपनी चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं चाय चढ़ाने के बाद ना ये छोटा सा गद्दा मैं नीचे बिछा लेती हूँ आरुष का ना रिलैक्स होके होमवर्क वगैरह करवाने के लिए। तो सबसे पहले मैं हॉल समेट लूँगी अपना, तो सुबह सुबह हॉल क्लीन कर लो, मान लो कोई आ ही गया या फिर जैसे हाउस हेल्पर आती हो तो सब मैं क्लीन करके डस्टिंग करके रख देती हूँ। और रात को तो वैसे भी सब जानते हैं कि सबका घर मैसी हो जाता होगा, तो सबसे पहले मैं इसी को समेट लूँ।
लोग बोलते हैं कि ऊपर जितने ऊपर रहोगे उतना ज़्यादा डस्ट नहीं जाता, तो मैं 15 फ्लोर पे रहती हूँ लेकिन फिर भी मेरे घर में उतना ही डस्ट आता है। तो ये सब ना मैं रोज़ के रोज़ डस्टिंग नहीं करती, एक दिन गैप करके मैं डस्टिंग करती हूँ ये सारा चीज़। बट डाइनिंग टेबल वगैरह जो वो रोज़ मुझे क्लीन करना होता है सब कुछ। और ये मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं सामने रखती हूँ, जैसे कभी हम लोग को खाने का मन करता है तो एक मुट्ठी सामने से लेके खा लेते हैं इसलिए। और ये फ्रूट वगैरह है, तो बस डाइनिंग टेबल भी फटाफट से मैं क्लीन कर लूँगी और सब कुछ क्लीन करने के बाद उसके बाद फिर मैं लंच का प्रिपेयर करूँगी। तो मुझे ये सब करने के बाद हाउस हेल्पर जब मेरी काम करके जाती है ना, उसके बाद मैं 1 से 1.5 घंटा अपना एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम निकालना ही होता है। तो अभी फटाफट से आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में जैसे कि मेरी हाउस हेल्पर काम करके जा चुकी थी, तो सबसे पहले मैं अभी साबुदाना फूलने के लिए डाल दूँगी। साबुदाना फूलने के लिए उसके बाद मैंने करेला काट लिया था, जब तक वो काम कर रही थी तब तक मैं ऊपर बैठ के मैंने करेला काट लिया था। उसके बाद फिर इसको ना नमक डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, ताकि कड़वापन है जो निकल जाए, और भुजिया भी बड़ा इसका टेस्टी बनता है सॉफ्ट सा। एंड उसके बाद इसको मैं धो करके इसका पानी ही निकलने के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छे से ड्रेन हो जाए। एंड उसके बाद अभी मैं दाल चढ़ा लूँगी, तो दाल मैं फटाफट से बनाऊँगी मसूर का दाल। और मसूर का दाल जो मैं बनाऊंगी आज, थोड़ा सा दूसरे टाइप का छौंका लगाकर बनाऊंगी मैं। हमारे यहाँ ऐसे टमाटर डाल के भी बनाते हैं, या फिर ऐसे सिंपल सरसों राई जो होती है उसकी छौंके के साथ भी बनाते हैं, बट मैं आज जो बनाऊंगी वो थोड़ा सा अलग सा बनाऊंगी। तो ये मसूर का दाल मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई थी, अभी मैं गर्मी छुट्टी में गई थी ना, तो जो खेत का जो मसूर का दाल होता है वो मम्मी ने दिया था, बड़ा सौंधा सौंधा सा बनता है ये। तो ये मसूर का दाल फटाफट से मैं अभी सेट कर दूंगी इसको उबलने के लिए। और इधर फटाफट से मैंने करेला का भुजिया बनाने के लिए एक बड़ा सा पैन डाल दिया, इसमें डाला सरसों का तेल। अच्छा, करेला का भुजिया बनाने में ना थोड़ा सा सरसों का तेल जो होता है ना, तेल वो ज़्यादा लगता है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे तेल डाल दिया। इसमें डाला मैंने थोड़ा सा हींग, राई और जो सूखी मिर्च होती है वो। उसके बाद वो डालने के बाद जब ये अच्छे से ब्लैक हो जाएगा उसके बाद इसमें करेला डाल दूंगी। और अभी इसमें नमक और हल्दी मैंने नहीं मिलाया, एक बार इसको ढक के छोड़ दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर नमक हल्दी मिला के इसका ढक्कन जो लीड होता है वो हटा के मैं फिर मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको करारे करके भूनूंगी। और साथ में ये आलू के चोखा के लिए मैंने आलू भी निकाल लिया है। तो आज बिल्कुल सिंपल सी थाली मैंने बनाई है, बिहार की थाली जो होती है, दाल भात भुजिया चोखा, तो वही वाला मैंने बनाया है। हाँ, सिंपल और बहुत ही टेस्टी करेला का भुजिया बनता है, मुझे भी बहुत पसंद है और आलू के पापा को भी बहुत पसंद है ये। तो इसमें थोड़ा सा मैंने बाद में देगी मिर्च कलर के लिए डाला था, और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला था, बस थोड़ा सा एक चुटकी भर, और बहुत टेस्टी ये भुजिया बन के तैयार हुआ था। तो बस ये थाली मैंने बनाया था आज, सिंपल बिहारी थाली। उसके बाद पहले लंच मैंने बना लिया था, उसके बाद फिर मैंने आज शावर वगैरह लिया था, उसके बाद फिर मैंने फटाफट से आज मैं दाल में जो तड़का लगा रही हूँ वो दिखा रही हूँ। तो सरसों तेल डाला छोटी सी कढ़ाई में, उसमें डाली मैंने हींग एंड उसके बाद राई और 2 लाल मिर्च और कटा हुआ लहसुन और बस प्याज। अब इन सबको अच्छे से लाल करके भून लेना है ताकि इसमें खुशबू अच्छे से आ जाए। उसके बाद दाल में इसको करूँगी मैं मिक्स। देख लिया मैंने सीटी निकल गई है कि नहीं। ये दाल इतनी टेस्टी बनती है ना, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे बिहार में तो ये दाल बहुत फेमस है, बनाते हैं लोग, नहीं अगर जो बिहार से नहीं है वो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में ये साबूदाना की खीर, दूध अच्छे से बॉयल हो गया था, आधा कर लिया था मैंने इसको, इसमें साबूदाना डाल दिया मैंने। अब ये खीर बनके तैयार हो गई है। और ये है मेरी यम्मी सी थाली, पका हुआ मिर्ची के साथ चोखा, भुजिया, दाल, और ये है पनीर का पकौड़ा, बहुत टेस्टी बना था थाली। कैसा लगा छोटू सा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कल के